देखिए बेटा, आज हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैंडल जल रही है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसको बुझाएंगे। आपने पढ़ा है कि जलने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट रहती है? ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते तो क्या होगा? बुझ जाती है। हम भी यही कोशिश करेंगे, हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की। अगर वो बन गई, उसको हम पास करेंगे कैंडल के ऊपर, तो उस गैस से हमारी कैंडल क्या होनी चाहिए? बुझनी चाहिए। लेट अस ट्राई, बुझती है कि नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ये लेने वाले हैं बेकिंग सोडा। इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। हम लेने वाले हैं यहाँ पर, देखिए ये होता है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है। इतना काफ़ी, इतना ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, अब इसी बेकिंग सोडे में हमने डालना है ऐसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हम ये इसमें ऐड करें। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन होगी वैसे ही आपकी गैस पैदा होगी, उस गैस का नाम है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखते हैं कैसे बनती है। पहले देखिए यहाँ पर हम इसको कैंडल जला देते हैं और देखेंगे कि ये बुझती है या नहीं बुझती है, इस तरह से हम चेक करते हैं। अगर ज़्यादा बनेगी तो बुझ जाए, कम बनेगी तो शायद नहीं बुझेगी। फिर हम ट्राई करते हैं बनाने की कि ये आपकी ज़्यादा फायदा हो और ये एकदम से बन जाएगी और हम इस पर देखिए प्रोड्यूसर एकदम से बुझ गई। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आपकी आग बुझ जाती है। इसीलिए कभी कभी आपके आसपास आग लग जाए तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रोड्यूस कीजिए, उससे आपकी कोशिश कीजिए उसको जलाने की। अब शायद काफ़ी हद निकल चुकी है गैस, अब रिएक्शन हो चुकी है, बहुत प्रोड्यूस हो चुकी है और काफ़ी हद तक गैस यहाँ से निकल चुकी है, अब कम पैदा हो रही है। और दोबारा से इसमें हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना पड़ेगा, सारा रिएक्ट हो चुका है। आ रही बात समझ? इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अगेन आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से देख सकते हैं कि आग बुझ जाती है। क्लियर हुआ? और यही प्रोसेस आपकी रहती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना बाहर, सिलेंडर लगे होते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस होती है, वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और उसी की हेल्प से जो आपकी आग वो बुझाई जाए। देखिए, देखा सभी ने? यस सर। इससे प्रूव होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो एस से मिलता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देख सकते हैं गैस कैसे बबल की फॉर्म निकल रही है और इसने आप आग को भी बुझा दिया। इज इट क्लियर? आज आपने एक्सपेरिमेंट देखा, यहाँ से क्या क्लियर होता है बेटा कि बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज की जा सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग को बुझा सकते हैं।